संजय गांधी चिकित्सालय में चल रही एसी मेंटेनेंस का काम 5 दिन की जगह 1.5 दिन में किया गया पूरा। विंध्य के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में लगे एसी प्लांट का आधुनिकीकरण अनुरक्षण मद से किया जा रहा है, जिसके लिए चिकित्सा विभाग की ओर से लगभग 60 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इंदौर की ब्लू स्टार कंपनी एसी प्लांट का मेंटेनेंस का कार्य कर रही है। इस काम के लिए पीडब्ल्यूडी विद्युत यांत्रिकी शाखा ने 5 दिन का समय अस्पताल प्रबंधन से मांगा था, लेकिन मरीजों की परेशानी को देखते हुए उन्हें 3 दिन का ही समय दिया गया था। लेकिन ब्लू स्टार कंपनी के कर्मचारियों ने इस काम को 1.5 दिन में ही पूरा कर दिया। सोमवार रात तक इसके चालू हो जाने की उम्मीद है। एसी प्लांट में 2 चिलर बदले गए हैं। 125 टन का एक चिलर होगा, जिससे वातानुकूलन की क्षमता 2 गुनी हो जाएगी। इसके अलावा 2 कूलिंग टावर भी बदले गए हैं और जो टूटी फूटी पाइपलाइन है उसे भी ठीक किया जा रहा है। जो काम चल रहा है ये आपने कब इसका डाउन का वो ली थी परमिशन और कितने दिन? मैं सैटरडे को आवेदन दिया था। मैं सैटरडे के दिन में स्वीकृत मिल गई थी, 5 दिन की अनुमति मिली थी, जिससे कि हम लोग 24 घंटे के अंदर शाम को 5 बजे तक चालू कर। किस तरह का अगर कोई लीकेज वगैरह न रहा तो क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पर? इसका क्या है कि ये चिलर वगैरह जो है जो नए चिलर आए हुए हैं उसी की पाइप लाइनिंग वगैरह छोड़ना था, इसीलिए हम लोग सेट डाउन हुए। किस कंपनी के द्वारा किया जा रहा है? ये ब्लू स्टार के द्वारा किया जा रहा है। जो एसी प्लांट है ये आपने कितने दिन के लिए इसको बंद किया था और आप कब चालू कर लेंगे? ये एक्चुअल में क्या है कि अनुरक्षण मद के अंतर्गत ये अपना संजय गांधी हॉस्पिटल का एसी प्लांट का स्थापना 1999 का है। इसके पार्ट धीरे धीरे सब खराब हो रहे हैं, क्योंकि टाइम के पीरियड ख़त्म हो रहे हैं, तो अनुरक्षण मद के अंतर्गत शासन से स्वीकृति मिली थी। हमने उसमें अपना काम 2 चिलर रिप्लेसमेंट करने थे, 2 कूलिंग टावर करने थे, 1 एयर वाशर करना था, पाइप लाइन रिपेयर करनी थी। तो उसके लिए हमारा चूँकि चिलर का स्थापना का काम इंस्टॉलेशन काम कंप्लीट हो चुका है और कूलिंग टावर का भी काम लगभग 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एयर वाशर भी अपना 1-1.5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अब चूँकि चिलर हो गया था तो उसको कनेक्शन जोड़ करके तब तक उसकी टेस्टिंग भी आवश्यक थी। इसके लिए हमने सुपरिंटेंडेंट महोदय से 5 दिन के लिए अनुमति मांगी थी। हालाँकि मेरा वो था कि 3 दिन में हम काम कंप्लीट कर लेंगे, तो मशीनरी है किसी वजह से हो सकता ज़्यादा टाइम लगे, तो हमने 5 दिन की अनुमति मांगी थी। पर हमने दिन रात काम किया, कल रात 12 बजे तक काम हुआ, परसों भी 12 बजे तक काम हुआ, सुबह 6 बजे से फिर चालू हो जाता है। आज हमारा रात 12 बजे काम कम्प्लीट हो गया है, हमने पानी भरा और सुबह तक हमने उसके कहीं भी लीकेज ना हो जो है इसमें ये हमने चेकिंग की है। अब सिर्फ एयर निकालना बचा है जो लगभग पूरी पूर्णता की ओर है और 1 बजे तक हमारा प्लांट चालू हो गया है। कितने दिन की अनुमति थी और आपने कितने दिन में काम पूरा कर दिया? एक्चुअल में ज़रूरत तो सिर्फ 3 दिन की थी, पर चूँकि मशीनरी का काम होता है कभी कभी फेल हो जाता है तो हमने 5 दिन की अनुमति दी थी, पर हमने काम 1.5 दिन में कम्प्लीट कर दिया है। क्योंकि रात दिन ब्लू स्टार कंपनी इंदौर से लोग आए थे, उन्होंने रात दिन काम किया, वही खाना खाते थे। और क्या नाम है, किस तक है? वो लियाकत है उनका। आप? मैं विनोद तिवारी, सब इंजीनियर हूँ यहाँ पी डब्ल्यू डी में और संजय गांधी मेडिकल कॉलेज जी एम एच इसका मेंटेनेंस करता हूँ।